वो पिछले संस्करण में मुकाबला नहीं जीत पाए थे उनको दोहराया ना जाए। और ये नो बॉल होगी, वेस्ट लेवल से काफी ऊपर और वही इशारा एम्पायर का। लगता है गेंद अब छूट गई हाथ से और अब फ्री हिट भी मिलेगी। कहते हैं ना कंगाली में आटा गीला, एक तो समस्या बढ़ रही है, रन इतने हो चुके हैं और उसके बाद आप ऐसी आप गेंदबाजी करेंगे तो फिर मुश्किल है। फ्री हिट, ये तो सोने पे सुहागा है। आखिरी गेंद सातवें ओवर की और फ्री हिट, ये मुझे लगता है मौका गवाया मनोज तिवारी ने। पर जो भी है तो मुझे लगता है चोट भी लग गई है, हालांकि ये अगर कैच पकड़ भी लेते तो आउट नहीं होना था, पर यहां पे चोट लगी है उंगलियों में। 86/2 कहते ना जब कमल खिलता है तो भंवरे आते हैं, जब आपके पास गुण है तो प्रशंसक को आएंगे और ये दर्शक नजर आ रहे हैं। ये कितने अभी मुझे लगता है जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा, अगला मुकाबला तेलुगु वॉरियर्स का भी है और आप लोग देखेंगे स्टेडियम के अंदर, थोड़ा स्टेडियम शहर से दूर है, ये उपल में ये स्टेडियम बना हुआ है। राजा बहरवानी आते हुए, मुझे याद है जब विनीत हम खेलते थे तो एक स्टेडियम था बिल्कुल शहर के बीच में, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम, जहाँ पे कई अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले भी हुए हैं, कई प्रथम श्रेणी मुकाबले भी हुए हैं। एक बड़ी टूर्नामेंट जो यहाँ पे होती है हैदराबाद में वो मोइनदुल्ला है, बड़ी बड़ी टीमें आती हैं, बड़े 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 खिलाड़ी आए हैं और वो पुराना स्टेडियम है, पर ये जो स्टेडियम है इसमें जो फैसिलिटीज हैं स्पेक्टेटर्स के लिए, दर्शकों के लिए, जो डगआउट्स बने हुए हैं, जो आउटफील्ड है कारपेट की तरह बहुत बढ़िया आउटफील्ड है। और ये देखिए यहाँ पे आज जब जो मुंबई हीरोज का जो डगआउट है खचाखच भरा हुआ, सुंदर चेहरे भी हैं और प्रशंसक भी बहुत है उनके। मनोज तिवारी थोड़े अनकंफर्टेबल लग रहे थे जब फील्ड छोड़ रहे थे, क्या लगता है अजय अब बल्ले बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे? एक बहुत ही टैलेंटेड शख्स है मनोज तिवारी, लोकप्रिय भी हैं, गायक भी हैं, एक्टर भी हैं और बीजेपी दिल्ली चीफ भी हैं, और साथ ही साथ बिहार में इन्होंने क्रिकेट के प्रोत्साहन के लिए अजय बहुत कदम उठाए हैं और कोशिश यही रही है कि बिहार की क्रिकेट को जितना आगे ले जा सके उतना ले जाए। देखिए हुआ क्या था, अब ये अंतिम गेंद थी, फ्री हिट थी, कैच था, पर अगर कैच पकड़ भी लेते तो ऐसा नुकसान होना नहीं था बुलडोजर्स के लिए, पर ऐसा लगा जब सीम लगती है ना आपकी उंगली में तो वो कट आ जाता है और वही भार, वो जो दर्द है वो महसूस कर रहे हैं। देखिए जो आइस पैकेज